हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए सभी प्रमुख पार्टियों द्वारा प्रमुख प्रत्याशी की घोषणा करने के बाद चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। मंगलवार को विश्वविद्यालय के सभी संकायों में NCUI, ABVP और SFI के अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर मत और समर्थन मांगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मूल सिंह राठौड़ को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया है। ABVP में विभिन्न पदों पर रहे मूल सिंह LLB प्रथम वर्ष के छात्र हैं और उन्होंने BCOM ऑनर्स में गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। इससे पहले NSUI सुनील चौधरी और SFI दमाराम को एपेक्स अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। छात्र संगठनों ने एपेक्स अध्यक्ष पद के अलावा उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव पद के लिए आधे अधूरे ही नामों की घोषणा की है। ABVP ने अध्यक्ष पद के अलावा अन्य कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। वहीं NSUI ने अध्यक्ष के अलावा महासचिव पद पर समेश सोलंकी और संयुक्त सचिव पद के लिए मनीष विश्नोई को टिकट दिया गया। उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी की घोषणा बाकी है। इन सभी प्रत्याशियों ने कमला नेहरू महिला महाविद्यालय, ओल्ड कैंपस, न्यू कैंपस, इंजीनियरिंग कॉलेज आदि स्थानों पर प्रचार किया। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए अंतिम संशोधित मतदान सूची मंगलवार शाम 5 बजे तक जारी हो जाएगी। मतदाता सूची जारी होने के बाद प्रत्याशी 5 सितंबर को नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे। इस दिन सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन दाखिल होंगे। इसके बाद शाम 5 बजे तक नामांकन पत्रों की जाँच और आपत्तियाँ स्वीकार की जाएगी। अगले दिन यानी 6 सितंबर को 6 नामांकन सूची का प्रकाशन होगा। प्रत्याशी इसी दिन सुबह 11 बजे से 2 बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। 6 सितंबर को दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक अंतिम नामांकन सूची का प्रकाशन होगा। मतदान 10 सितंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। इसके अगले दिन 11 सितंबर को प्रदेश में एक साथ मतगणना और परिणाम की घोषणा की जाएगी। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।